हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वागत आप लोगों के एक न्यू ब्लॉग में। हम लोग जीजान आए हुए हैं, हमारे यादव जी जा रहे हैं ये वो घर, और वो जो है काजू पिस्ता मिठाई सब ले रहे हैं। वो देख सकते हैं इधर, और ये हम लोगों का पहचान वाला दुकान है। जिस भाई को आना है इधर आओ, स्वीट लो, मिठाई लो, डिस्काउंट देगा भाई। ये भाई को पहचान लो, इधर भाई, एक भाई इधर रहता है। बोलो आसिफ, क्या तुम तो दबा के खा रहे यार? दबा के नहीं खा रहे यार, मुझे खा रहे। क्या जी, क्या क्या लिया आप? दिखाई हमारे व्यूअर को, दिखाई सब लिया। अखरोट है, पिस्ता है, चॉकलेट है, काजू भी चाहिए। तो काजू सादा वाला लीजिए, सादा वाला लेता है। सादा वाला ठीक है, नहीं दिख रहा है जैसे, तो मत लीजिए, छोड़ दीजिए। सादा 50 से वो 45 कर देना। यादव जी कितने का सामान ले लिए यादव जी आप? 45 का नहीं, अभी कैलकुलेशन। और ये 2 किलो है, ठीक है, 2 किलो, 2 किलो। और यादव जी अपना अलग से कर रहे हैं, यादव जी कैलकुलेट कर रहे हैं। देख लीजिए भाई, ये बड़ा वाला जरूरी है, 2 किलो 80 रियाल है। हम लोग एक एक रियाल जोड़ते हैं जाने टाइम में। देख लो कैसा फट से जेब से निकल जाता है। तुमके लिए वो बच्चों लोगों के लिए, घर पे जो है उनके लिए, और ये सब जाने के बाद वहाँ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं यादव जी 45 के लिए, लेकिन चॉकलेट का वैरायटी देखिए, इतना बेहतरीन बेहतरीन वैरायटी। 2 किलो बेचारे यादव जी, इतना मेहनत करके बेचारा पैसा कमाया है। नहीं, दिन की कमाई है, क्या बात कर रहे हैं आप? दोस्तों देख लीजिए, ये यादव ईद में इसी के लिए तो दरी झार झार के जाके जो कमाया है वही है ना। ये देखे चॉकलेट, ये चॉकलेट देखे, ये स्टोन चॉकलेट है, बहुत टेस्टी भी होता है। दोस्तों ये एक ब्लॉग बना रहे हम लोग, आए हुए जीजान, और जीजान जो है हमारे यादव जी घर जा रहे हैं, तो सोचो हम लोग ब्लॉग भी बना ले डेली ब्लॉग के हिसाब से। तो थोड़ा सा मुझे भी कुछ भेजना था, तो ये खजूर देखे दोस्तों, ये खजूर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सौदे का सबसे बड़ा खजूर है। 5 किलो, 5 6, 5 6, 7 किलो। रजाक भाई हमारे ब्लॉग बनाएंगे नहीं भाई, वो गुस्सा हो गया। क्या करें, सर में बहुत दर्द हो रहा है, ये जब भी आते हैं तो सर प्रोग्राम में इंस्टॉल किया ना, ये नहीं कंप्यूटर से करना चाहिए, इसमें मैक्सिमम लग रहा है। उधर से पासवर्ड डाल को उधर से करने से। अच्छा, उधर ही करना पड़ेगा, वो जो कंप्यूटर में डाल दिए ना, इधर से बुला के जाना पड़ेगा। बोलने के लिए आवाज नहीं आएगा ना। हाँ। दोस्तों अब हम लोग बैठे हैं होटल में, पूरा दिन घूम करके यहाँ पे हम लोग इंडिया का मोस्ट फेमस आइटम जो है दही वल्ला मंगाया है, और उसको टेस्ट करके देखते हैं हम लोग स्टार्टर में। सही बात, या तो आप ही खाएंगे या देखेंगे, चेक करेंगे कैसा है। ये जो है यादव जी की जो घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, और खाली ड्राई फ्रूट जो लिए है 700 रियाल का, खाले तो जाके ओपरी में फूट के उसी का जूस बना के पियेंगे, इसी खुशी में जो है ना। हाँ। वो जो है हम लोगों को पार्टी दिए है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये यादव जी, ये यादव जी हैं, ये हमारे यादव जी हैं। और सबसे बड़ी चीज ये जा रहे हैं मोदी जी को हराने, मोदी जी को हराने। हाँ, वो लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा ऐसा, नहीं ऐसा नहीं, जितवाने जा रहे हैं क्यों डर रहे हैं भाई? नहीं, नहीं। या हरवाने जा रहे हैं या जितवाने जा रहे हैं, कुछ एक वोट, जो भी जीते अपने के क्या करना है, क्या करना है? मतलब आप वोट नहीं डालेंगे? वोट तो डालेंगे, किसी को भी डाल देंगे, किसी को भी डाल देंगे। अच्छा, अच्छा। तो अभी जो है दही वल्ला का नाम सुन के जो है ना भूख और बढ़ रहा है, भूख और बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो रिव्यू दिया जाएगा, दही वल्ला जो है कमाल का है, पाकिस्तानी दही वल्ला है भाई, ये जमाल का है। अरे छोटा वाला, ये बड़ा वाला बोतल, ये आप होटल देख सकते हैं, ये देखें आप में वो दे दीजिए भाई साहब, ये होटल
और पता नहीं हम लोग जब भी आते इसी होटल पर गाड़ी रुकता है, इसी लगता है। बिल्कुल हाँ। भाई दही वाले लाइए भाई। तो दोस्तों आप बहुत चाहिए, खा तो नहीं सकते लेकिन देख करके एंजॉय कीजिए और मजा लीजिए। और यादव जी के लिए जितने लोग देखेंगे दुआ जरूर कीजिएगा कि जब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके आए घर पे, कम से कम एक बच्चा हो वही हो जाए कम से कम। नहीं भैया बहुत है अभी, सियाने बच्चे हो गए हैं, बच्चे सियाने हो गए तभी तो खिलाने के लिए चाहिए। दही वल्ला पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पहले चाहिए बैठेगा फिर वल्ला बनाएगा। पानी डाली कम से कम। यादव जी पेप्सी नहीं पीने? पेप्सी मंगाना मंगा लीजिए, क्या करें। यादव जी तो दिल यादव जी दिल खोल दिया भाई साहब, दही बल्ले आप दे देंगे यार, ये ठंडा पानी है भाई, पानी नॉर्मल चाहिए भाई। दही बल्ला आज आ जाएगा ये बोला ना, ये लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बता दो मिरिंडा है रंजाक भाई, आप कुछ बोलिए। रंजाक भाई जो है बड़ा यूट्यूबर हो गया है, वो आजकल फेस नहीं, नहीं, फेस फेस नहीं दिखाना, फेस वैल्यू पैसे लेता हूँ मैं एक फोटो के 500 रूपए। क्या बात है भाई, ये है पाकिस्तानी। क्लोजअप लीजिए, क्या बात है, जबरदस्त गोल्ड का है, गोल्डन कलर प्लेट भी गोल्ड का है भाई, गोल्ड का है बिल्कुल। क्या बात है, खा के देखते हैं और खा के देखते हैं और हम लोग रिव्यू देते हैं, पहले उनके बै उठा के देखता हूँ बल्ले को। छोड़ रहे हैं भाई, बल्ले किधर है भाई, बात ऐसा है कि इसमें जो है पुदीने की चटनी है, ठीक है, अच्छा ठीक है। नमक जो है इसमें, जो हम लोग यहाँ जो टेस्ट होता है हमारे इंडिया में, अच्छा वैसा नहीं है, वो वाला टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। नहीं वल्ला मैं आपको इंशाल्लाह बकरीद में बना के खिलाऊंगा, बकरीद पे हाँ, क्योंकि इसमें जो कमी जानते जो भी है, ये पास हाँ। कमी जानते किस चीज की है, इमली की चटनी की, और थोड़ा सा इसमें काला नमक वगैरह रहता है। नहीं ऐसे नहीं होता, इन लोगों ने जानबूझ के हल्का रखा है, शायद यहाँ सोदी वगैरह भी खाते होंगे, हालांकि इतना फीका नहीं होता भाई, पाकिस्तान में भी इतना फीका नहीं होता, नमक की भी कमी है, बहुत ही फीका है, सिर्फ टेस्ट जो आ रहा है पुदीने का चटनी का, पुदीने की वजह से है, लेकिन बल्ला बना है ना इसमें टेस्ट नहीं है, उसी में टेस्ट नहीं है, वो फीका फीका सा लग रहा है। अब कढ़ी में क्या होता है, अब तो कढ़ी में पता चलेगा, कढ़ाई में, कढ़ी नहीं कढ़ाई ना, कढ़ाई में पता चलेगा। नमक इसका मतलब है मिक्स नहीं किया हम लोगों ने, इधर से भी मिक्स कीजिए। मैं जो है ना मैं बताता हूँ मसाला स्पेशल, हाँ समझे, बल्ले का दही बल्ले का मसाला मैं आपको खिलाऊंगा, दही बल्ले के नाम से मेरा दिल खुश हो गया था मैं, ठीक वो जो है ना खा के ठंडक, वो ठंडक नहीं मिले, नमक रहता है ना थोड़ा, नमक बिल्कुल ही नहीं है, वो नमक पड़ा हुआ है, ये तो नहीं है मालूम कि हम लोग बीपी वाला मरीज है। हाँ इसलिए भाई वो बिना नमक के लाया है। हाँ भाई कढ़ाई हो गई, कितना था आसिफ का हाथ, तो मुझे ऐसा मतलब आसिफ को पसंद नहीं आया, आसिफ भाई कढ़ाई के इंतजार में बैठे हैं भाई, फिर भी ठीक है, दही है खा लो, पेट में जगह बनाएगा। बाहर जाके
हम जो है गल्ला खाने के बाद इतनी बार कढ़ाई की मिलते मुड़वा पे कोनो मजे। दोस्तों ये है कढ़ाई, ये तो बहुत बेईमानी है। कढ़ाई जो है कढ़ाई के जैसा ही है और ये है धोती। अब लगता है इतना कढ़ाई खाने के बाद ही जो है पता चलेगा कि कढ़ाई का मजा तो ये नूसी होगा। हाँ एक बोला है ना, एक बोला तो फुल बोला था ना, ये तो नूस है। कढ़ाई बड़ी है, टेस्ट कीजिए और रिव्यू दीजिए। टेस्ट करके रिव्यू दीजिए भाई, टेस्ट करके रिव्यू दीजिए भाई। ये फुल कढ़ाई है। हाँ भाई इतनी है भाई, लग नहीं रहा है भाई। कैसे रखेगा रुपये, रिव्यू दीजिए भाई, रिव्यू दीजिए प्रजाक भाई, रिव्यू दीजिए खा के तब हम उठाएंगे। हाँ यादव जी कैसा है कढ़ाई? कढ़ाई बहुत अच्छा है दीजिए प्रजाक भाई। उसका उसका उससे सही है या नहीं? अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। अब ये पता नहीं है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है शायद इसमें। तो इधर भी रोटी दीजिए लोग, हम यादव जी खाए। ऐसा है कि दोस्तों अब हम लोग बोलते हैं खाने के बाद हम लोग साले को लूट और टूट पड़े। कढ़ाई में जो है ना हम लोग कढ़ाई भरा नहीं तो जो है कढ़ाई से चेंज करके हम लोग, और ये जो है छोटा कढ़ाई मंगा लिया। कढ़ाई हम लोगों ने वापस कर दी है। कढ़ाई हम नहीं, कढ़ाई वापस कर दी है ना, कढ़ाई वापस कर दी। ये पड़ी है? अच्छा पड़ी, मैंने वापस कर दी। कढ़ाई इधर है। हाँ दोस्तों जो है हम लोग खाना पीना खा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा बहुत बचा है, ये है हम लोग को मिला है खुशी में, कढ़ाई खाने में खुशी में। फिर हम लोग भी बस एंड करते हैं। क्या चीज़? रोटी बनाए, रोटी रहना भाई। दोस्तों ऐसा है तो हम लोग जो है अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। फिर कभी जीजान आएंगे तो किसी और होटल में। ये होटल अब बस हो गया है। हाँ ये फेल हो गया, अब जो है हम लोग की बस की बात नहीं है होटल में आना, तो किसी और होटल में ज़रूर मिलेंगे। लोग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोले सब लोग। बोलिए अल्लाह हाफिज़। बोलिए एक बहुत है ना, एक बहुत।